Assalamu alaikum student, I hope that you all will be good, and today we are going to discuss our lecture number 3. This lecture number 3 is related from the subject Management of Physically Challenged Children, PCC, and course code is SPED 3132. I'm Kashif Iqbal, working as a lecturer, and today we are going to discuss the last topic of chapter number 1, which is related to physical / motor and reflex development. Before going to start the topic, I would like to describe the agenda for this lecture today. After the completion of this topic, you will be able to learn number 1, to know about physical / motor development. Aap log yakeenan ye understand kar jayenge, kar lenge ke physical ya motor development hoti kya hai. Point number 2, to distinguish the difference between neonatal stage, infant and toddlers. आप बआसानी differentiate कर सकेंगे कि neonatal stage क्या होती है और infant कौन होते हैं और toddler कौन होते हैं. What is the difference between these 3 developmental milestones? हमारा आज का जो तीसरा agenda है, जो कि मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत important है, to understand the concept of perception and learning. आप perception और learning का जो concept है वो understand कर सकेंगे. Point number 4, the agenda point number 4, to comprehend the meaning of reflex development. आप reflex development का जो meaning है उसको भी बआसानी comprehend कर सकेंगे. सो ये हमारा आज का एजेंडा है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू पीपल वुड हैव द क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक दैट आई हैव मेंशन जस्ट नाउ. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, आई वुड लाइक टू रिकॉल our previous lectures about 1.1 and 1.2. अगर आपको याद हो तो 1.1 में हमने definition discuss की थी orthopedic और health impairments की, जिसमें हमने IDEA 2004 के मुताबिक health impairments और orthopedic impairment के हवाले से एक अच्छी खासी understanding हासिल की थी. दूसरे number पे हम 1.2 की बात करते हैं, इसमें भी जो हमारे पास जो डिस्कशन थी वो रिलेटेड थी डेफिनेशन से, और ये डेफिनेशन थी 3 बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट के हवाले से, जो कि किसी भी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मदद से एक स्पेशल एजुकेशन टीचर बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हासिल करके अपने बच्चों को पहचानता भी है और फिर उनके हवाले से नेक्स्ट प्लानिंग भी करता है. तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं. अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे 1.3, जिस पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फिज़िकल / मोटर एंड रिफ्लेक्स डेवलपमेंट, इसकी बात की जा रही है इसमें. अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो फिज़िकल डेवलपमेंट है ये एज 0 यानी कि पैदाइश से लेके
2 साल तक इसमें एक टाइम फ्रेम दिया गया है। और इसी में अगर हम देखें कि इन्फेंट्स किसे कहते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं इनकी एज होती है 0 to 1 year, और जो टॉडलर्स होते हैं इनकी एज होती है 1 to 2 years, 1 से 2 साल तक। इन्फेंट्स 0 to 1 year के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो टॉडलर्स होते हैं ये 1 से लेके 2 साल के बच्चे होते हैं। अब हम बात करते हैं फिज़िकल इम्पेयरमेंट की या फिज़िकल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। फिज़िकल डेवलपमेंट रेफर्स टू बायोलॉजिकल चेंजेस दैट चिल्ड्रन अंडरगो एज द एज। फिज़िकल डेवलपमेंट एक ऐसी तब्दीली है जो कि बच्चे एज के हवाले से हासिल करते हैं। इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट डिटरमाइंस द प्रोग्रेस ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड इंक्लूड फिज़िकल एंड ब्रेन चेंजेस। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि या इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जो फिज़िकल डेवलपमेंट का रास्ता या फिज़िकल डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया उसको तय करते हैं, किसमें? इन्फेंसी और टॉडलरहुड में। उसमें शामिल है फिज़िकल और ब्रेन चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो हमारे पोस्चर्स हैं या रिफ्लेक्सेस की जो डेवलपमेंट है, मोटर स्किल्स भी शामिल है, सेंसेशन शामिल है, परसेप्शन शामिल है, एंड लर्निंग स्किल्स एंड हेल्थ इश्यूज ये भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नियोनेटल स्टेज। नियोनेटल स्टेज, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने का जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट 4 वीक्स है, उसको नियोनेटल स्टेज कहा जाता है। ये बहुत अहम पॉइंट है, और स्टूडेंट्स आपको ये ज़रूर याद होगा कि मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री यू विल बी एबल और यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम इन विच यू हैव टू अपेयर एंड यू हैव टू कम्पीट फॉर द जॉब ऑफ जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फिजिकली हैंडीकैप फील्ड और सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर SSCT फॉर द फील्ड ऑफ फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। सो ये आपका यकीनन डेफिनेटली एक एम होगा, एक गोल होगा जो कि आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा कि इस टारगेट पे आपने पहुंचना है। तो यकीनन ये डिग्री की जो एजुकेशन है, 2 ईयर्स जो प्रोग्राम है जिसमें आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो इसमें ये जो सेंटेंस मैंने अभी आपको कहा है कि जो फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ द लाइफ होते हैं, दीज आर नोन एज नियोनेटल स्टेज। सो नियोनेटल स्टेज में जो पैदा होने के जो पहले 4 हफ्ते होते हैं ये कंसिडर किया जाते हैं, और ये वो सेंटेंस मैंने बोला है जो कि PPSC आपसे रिटन टेस्ट में पूछता है या इंटरव्यू में पूछता है। तो आपने अपने आप को इस हवाले से भी एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है दैट विच लेवल यू हैव टू अचीव इन योर लाइफ। अच्छा, अगर बच्चों के या बेबीज़ के वज़न की बात की जाए, द वेट ऑफ द बेबी, उनका जो वेट होता है अक्सर बच्चों का, वो 5.5 pounds से लेके 10 pounds के दरमियान होता है, और उनकी जो हाइट होती है वो 18 to 22 inches तक हो सकती है। अच्छा, जो मेल बेबीज़ होते हैं ये फीमेल जो बेबीज़ होते हैं उनसे ज़रा हैवी और बड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस और भी शेयर करना चाहूँगा। बुक्स में जो बच्चों के वेट के हवाले से लिखा गया है, जो लड़का है उसका जो वेट है वो 8 pounds तक मेंशन किया गया है, और जो लड़की है, जो बच्ची है, उसका पाउंड एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 7 pounds लिखा गया है। तकरीबन ये वही बनता है जो मैंने आपको बताया कि 5.5 से लेके 10 pounds के दरमियान होता है बच्चों का वेट।
यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए, मैं कुछ टर्म का जिक्र करने लगा हूँ स्पेशल एजुकेशन की, कि एक टर्म है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट से मुराद ये है ऐसे बच्चे जिनका पैदाइश के वक्त जो वेट होता है वो 5.5 and a half pound से बिलो हो, नीचे हो। अच्छा, एक और टर्म है प्री टर्म या प्री मैच्योर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको ये समझनी चाहिए, पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे कहा था कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन द लाइफ एंड इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पेशल एजुकेशन टीचर, यू नीड टू पुट ऑल द डेफिनेशंस, यू नीड टू पुट ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन योर फिंगर टिप्स। तो मेरे टीचर ने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ये एडवाइस की थी और मैं यकीनन उन टीचर के लिए लाइफ लॉन्ग तक दुआ करता रहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत एडवाइस की थी और उन्हीं की एडवाइस मैं आप लोगों को भी कन्वे कर रहा हूँ कि ये जो टर्म्स हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने लो बर्थ वेट का ज़िक्र किया, अब मैं ज़िक्र करने लगा हूँ प्री टर्म और प्री मैच्योर। ये वो बच्चे होते हैं, ये वो इन्फेंट्स होते हैं जो दी गई जब मुकर्रा जो डिलीवरी की डेट होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, उस डेट से पहले पैदा हो जाते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है कि जो बच्चा पहले पैदा हो वो लो बर्थ वेट का भी शिकार हो, ये भी लाजमी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, और ऐसे बच्चे, ऐसे बेबीज, ऐसे इन्फेंट जो दी गई डेट के बाद, काफ़ी अरसे के बाद पैदा हों, उनको कहा जाता है फुल टर्म इन्फेंट्स, फुल टर्म इन्फेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म भी है पोस्ट मैच्योर। ये जो पोस्ट मैच्योर की टर्म है ये उन बेबीज़ के लिए यूज़ की जाती है जो दी गई जो डेट होती है मुकर्रा डेट के 2 या 2 हफ्ते के बाद पैदा हों तो उनको पोस्ट मैच्योर कहा जाता है। यानी कि देखें, 3 टर्म आ गए हमारे सामने। नंबर 1 है प्री मैच्योर, दी गई डेट से पहले। नंबर 2 पे फुल टर्म बेबी, दी गई डेट पे। नंबर 3 पे पोस्ट मैच्योर, दी गई डेट के 2 हफ्ते या उसके भी बाद। यहाँ पे आपने ये भी समझना है कि प्री मैच्योर और पोस्ट मैच्योर, ये जो दोनों बेबीज़ होते हैं ये हायर रिस्क पे कंसीडर किए जाते हैं और इनके साथ कई कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल सिकनेस हो सकती है, नंबर 2 ब्रेन डैमेज हो सकता है, नंबर 3 डेथ हो सकती है। तो ये हमारे पास प्री टर्म जो पोस्ट मैच्योर के हवाले से इनके रिजल्ट आप कह सकते हैं। अगले हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू फुल टर्म बेबीज़। फुल टर्म बेबीज़ के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें जो फिज़िकल ग्रोथ इज़ एस्पेशली रैपिड, फिज़िकल ग्रोथ काफ़ी रैपिड होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 साल के दौरान बच्चे की जो फिज़िकल ग्रोथ होती है रैपिड होती है और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो इन्फेंट्स का जो वेट होता है बर्थ वेट, वो हमने डिस्कस किया है कि 5.5 से 10 pound तक होना चाहिए पैदाइश के टाइम ना, वो पहले 6 माह के अंदर डबल हो जाता है वज़न इन्फेंट्स का। और जब फर्स्ट ईयर होता है, जो फर्स्ट बर्थडे होती है उस इन्फेंट की, उसके अंदर उसका जो वेट है वो तकरीबन अपने पैदा होने वाला जो वेट होता है उसे ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना ज़्यादा। इसी तरह एक जो बेबी होता है वो ग्रो करता है 10 से 12 इंच तक, अच्छा इसी तरह एक जो बच्चा है उसका जो साइज़ है वो 10 से 12 इंच बढ़ता है लंबाई में ना या हाइट में। और पहले 2 साल के दौरान बच्चे के अंदर काफ़ी मस्बत तब्दीलियां आती हैं।
इन्फेंट का जो साइज़ होता है ना, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं, इनके जिस्म में 300 बोन्स होती हैं, जबकि जो एडल्ट हैं जैसे हम लोग हैं जिस लेवल पे, हमारी जो बोन्स की तादाद है वो 206 होती है। ये जनरल नॉलेज है जो मैंने आपसे शेयर किया है, इसको ज़रूर नोट डाउन करेंगे। और पैदाइश के टाइम पे जो इन्फेंट का जो एक जो साइज़ होता है ना, वो नॉर्मल साइज से थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, अभी इन्फेंट्स में उनका जो सर का साइज़ होता है वो 1/3 होता है, यानी कि पूरी बॉडी का जो, अगर उसको तीन हिस्से किया जाए तो एक हिस्सा सर को होगा, बाकी दो हिस्से बॉडी के, बाकी तीन हिस्से बॉडी को, 1/3 बन जाते हैं। और 2 साल की उम्र तक बच्चे का जो साइज़ होता है वो 1/8 हो जाता है, यानी कि अगर उसके जिस्म के 8 हिस्से किए जाएँ तो एक हिस्सा उसका सर होगा। अच्छा, अभी फीटल और नियोनेटल ब्रेन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, ये जो ब्रेन डेवलपमेंट्स होती हैं ये भी हमेशा रैपिड ही होती हैं। ब्रेन के जो लोअर एरियाज होते हैं ना, ये बेसिक फंक्शन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में अहम किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग हो सकती है, अच्छा हमारे ब्रेन में जो एरियाज हैं जो थिंकिंग और प्लानिंग के लिए जो एरियाज रिस्पॉन्सिबल हैं उसको कहा जाता है कॉर्टिकल एरियाज। इन कॉर्टिकल एरियाज को हायर एरियाज भी कहा जाता है, ये थिंकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना हमारे ब्रेन में। ह्यूमन ब्रेन में कई जो तब्दीलियां वाकई होती हैं वो प्रीनेटल फेज में होती हैं या फिर सून आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, बर्थ के टाइम पे जो नियोनेटल का जो वेट होता है ना ब्रेन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25% पैदाइश के टाइम पे जो नियोनेटल स्टेज का जो बच्चा होता है उसका जो ब्रेन का जो वेट होता है वो किसी भी एडल्ट ब्रेन के दिमाग का 25% कह लें वो होता है। दूसरे साल के इख्तिताम पे ये जो इनका ब्रेन होता है नियोनेटल का, दूसरे साल चकिन वो टॉडलर की एज में आते हैं, वो एडल्ट के ब्रेन का 80% हो चुका होता है प्यूबर्टी बालिग होने तक। तो ये इस एज में वो एडल्ट के ब्रेन का तकरीबन 100% टोटल ब्रेन उसका इक्वल हो चुका होता है, कब? प्यूबर्टी तक, बालिग होने तक। और ये तो आपको पता है कि लड़के के जो प्यूबर्टी की एज है वो डिफरेंट है और लड़की की डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस और मोटर स्किल्स की। ये जो इन्फेंट्स होते हैं ये कभी भी एनवायरनमेंट के हवाले से एनकरेज नहीं करते। न्यू बॉर्न कोई भी होगा उनके लिए स्पेसिफिक बिल्डिंग्स होती हैं, और इसमें ये भी है एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि सर्वाइवल के आम आती है और अडैप्टिव पर्पस में भी यूज़ होती है। रिफ्लेक्सेस जो हैं ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं, किसी ऐसे स्टिमुलेशन को अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए, जो बेबी होते हैं ये ऑटोमेटिकली दूध को सक करते हैं,
जब इनको फीड कराया जाता है, और अपना हेड भी टर्न करने की कोशिश करते हैं जब उनके पेरेंट्स बोलते हैं, और किसी उंगली को पकड़ने की, ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं जो उनके हाथों में दबाई जाती है, और जब कोई लाउड नॉइज़ निकाला जाए उनके सामने, तो बेची उस बच्चे जो बेबीज़ होते हैं वो उस पर मुस्कराते हैं, कहका लगाते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जिसमें ब्लिंकिंग है या ब्रीदिंग है, ये दोनों परमानेंट हैं, और ग्रास्पिंग है, ग्रास्पिंग जो है ये कुछ महीने के बाद गायब हो जाती है, बच्चा हमेशा उंगली पकड़ के दबाता नहीं है, और यकीनन ये कोई ना कोई वॉलंटरी रिस्पॉन्स ही बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन इन्फेंट मोटर रिफ्लेक्सेस, वो कब अपेयर होते हैं। इसमें मोटर स्किल्स की बात की गई है। अच्छा, मोटर स्किल्स आपको पता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन को कहा जाता है, और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो फाइन मोटर स्किल्स है और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का मैं आपको बता दूं कि फाइन मोटर स्किल्स ये कम्बिनेशन ऑफ आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन से डेवलप होती है। फाइन मोटर स्किल्स आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन की मदद से हम जो भी काम करते हैं, दैट इज़ कंसीडर्ड इनटू फाइन मोटर स्किल्स। फॉर एग्जांपल टाइपिंग है, कॉम्बिंग है, राइटिंग है, क्लीनिंग है, ये सारे काम आप फाइन मोटर स्किल्स में कंसीडर करेंगे। और दूसरी है ग्रॉस मोटर स्किल्स, एनी वर्क दैट वी डू विद द कम्बिनेशन ऑफ हैवी मसल्स। हैवी मसल्स की मदद से जितने भी काम किए जाएंगे वो ग्रॉस मोटर में ही आएंगे। फॉर एग्जांपल रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सारे क्या हैं, ग्रॉस मोटर्स के काम हैं। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे बिहेवियरल एबिलिटीज़ की भी, तो फिज़िकल ग्रोथ के साथ साथ बिहेवियरल एबिलिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है ना। सादा लफ्ज़ों में जो इन्फेंट्स होते हैं, 0 से 1 साल का जो बच्चा होता है, उनको लाजमी किसी ना किसी फिज़िकल या मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंज में कन्वर्ट हों। यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी गाइड करना चाहूँगा। ये जो नेक कंट्रोल है, ये बच्चे चूँकि फिज़िकल डेवलपमेंट से इसका ताल्लुक़ है, ये होता है 3 मंथ्स में। नेक कंट्रोल 3 मंथ्स में बच्चा 3 to 6 मंथ्स नेक कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, और नेक वो इस तरीके से कि नेक उठा भी सकता है। और यकीनन आपके इल्म में होगा कि नेक को उठाने से बच्चे का जो रिब केज है या बच्चे की जो बाकी बॉडी मूवमेंट है उसमें भी तब्दीली आती है। लेकिन अगर ये जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, इनके चूँकि विजुअल कीज या विजुअलाइजेशन एरियाज जो हैं वो मिसिंग होते हैं, इस वजह से वो नेक कंट्रोल बहुत लेट करते हैं, और इसको बहुत लेट करने वजह से उसके जो रिज़ल्ट होते हैं ना वो बड़े ख़तरनाक होते हैं और दूर तक जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड को जिनके कंधे झुके होते हैं, तो वजह क्या होती है, फ़िज़िकल ग्रोथ या वो डिवेलपमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं ऑब्जर्व कर सकते हाउ समबडी इज़ मूविंग, हाउ समबडी इज़ वॉकिंग, हाउ समबडी इज़ रनिंग, हाउ समबडी इज़ डूइंग समथिंग एल्स वॉट एवर। अच्छा, 1 माह के बाद, अच्छा इन्फेंट जो है अपने पैदाइश के 1 माह के बाद अपनी चिन को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करते हैं। 2nd मंथ में इन्फेंट्स जो है ना अपने चेस्ट को रेज करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। 4th मंथ इन्फेंट्स जो है वो उंगली पकड़ना शुरू करते हैं। वैसे इस स्टेज को हेयरिंग इम्पेयरमेंट की ज़बान में कूइंग स्टेज भी कहा जाता है, COING। और इस एज में बच्चा सपोर्ट के साथ बैठना भी शुरू करता है।
हर वालदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका जो बच्चा है वो रोल करे। 8 महीने तक बच्चा बगैर सहारे के बैठना शुरू करता है। दस महीने में बच्चा किसी न किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के, किसी दीवार या टेबल को पकड़ के खड़ा होना सीखता है। 14 मंथ्स में बच्चा बगैर किसी सहारे के खड़ा होता है और शायद वो चल भी सके। ऑफ कोर्स ये जो स्टेजेस हैं मोटर स्किल्स की, ये जितनी भी स्टेजेस मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की हैं, ये एवरेजेस हैं मोटर स्किल्स में, फिज़िकल डेवलपमेंट में। इसके जो जो डेवलपमेंट रेट्स हैं फिज़िकल डेवलपमेंट के, या फिज़िकल जो डेवलपमेंट के जो रेट्स हैं, वो बच्चों के दरमियान डिफरेंट होते हैं और उसमें कई तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से बच्चों की ग्रोथ डिफरेंस होती है। इसमें हेरिडिटरी का भी इशू शामिल है, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी भी शामिल है जो कि चाइल्ड पार्टिसिपेट करते थे उस अटेंशन के बारे में जो उस बच्चे ने रिसीव की। अच्छा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक होता है स्फेलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये बेसिकली ग्रोथ के ही दो कॉन्सेप्ट हैं, स्फेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये जो स्फेलोकॉर्डल होता है ना, इसमें जो ग्रोथ होती है, जो स्फेलोकॉर्डल होती है, इसमें जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो सेंटर से स्टार्ट होती है। पहले सेंट्रल बॉडी, फिर हाथ पांव बाजू सर, ये निकलता है। और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है, इसमें जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो सर से लेके पांव तक होती है। इसका पैटर्न क्या होगा? मोटर स्किल हमेशा दरमियान से ही डेवलप होती है या अपर से लोअर बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। 4 एग्ज़ाम्पल, चलने से पहले स्वॉलोइंग एंड आर मूवमेंट्स और बाजों की जो मूवमेंट है, इनको कंफर्म किया जाता है हैंड मूवमेंट से पहले। अगला पॉइंट है हमारा सेंसेशन एंड परसेप्शन। नॉर्मल इन्फेंट्स जो हैं वो कैपेबल होते हैं सेंसेशन के, और उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो किसी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को टाइमली रेस्पॉन्स करें। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट से स्टिमुली हासिल करते हैं, तहरीक हासिल करते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स एनवायरनमेंटल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स में। और आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम हमारा दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, हमारे चीन से ऊपर ऊपर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बैकबोन में भी है, चीन से नीचे नीचे पूरी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये हमारे पास ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, इनका एक काम है ये लाइट वेव्स को ना विजुअल इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, सादा लफ्ज़ में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करके रेटना या ब्रेन की तरफ भेजते हैं। ह्यूमन सेंसेस कौन कौन सी है? सीइंग है जिससे हम 75% का नॉलेज लेते हैं, हियरिंग है जिससे हम 13% का नॉलेज लेते हैं, स्मेलिंग है जिससे हम 13% का नॉलेज लेते हैं, टचिंग टचिंग से 6% का हम नॉलेज लेते हैं, और टेस्टिंग से भी हम 3% का नॉलेज लेते हैं।
विजुअल एक्यूटी की डेफिनेशन क्या है? विजुअल एक्यूटी रेफर्स टू द शार्पनेस ऑफ द विजन, विजन की जो शार्पनेस है उसको विजुअल एक्यूटी को रेफर किया जाता है। अभी शार्पनेस ऑफ द विजन या विजुअल एक्यूटी क्या है इसको ज़रा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग इकट्ठे बैठे हैं, दोनों ग्लासेस नहीं लगाते, दोनों की आँखें या आईज बिल्कुल ठीक हैं, सामने दीवार पर एक चींटी जा रही है, वो चींटी एक को नज़र आती है दूसरे को नहीं नज़र आती, हालांकि ग्लासेस दोनों नहीं लगाते, तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ विजुअल एक्यूटी। एक बात और भी ध्यान रखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक एक नॉर्मल बंदे की जो विजुअल एक्यूटी होती है वो 6/6 से लेके 6/18 तक होनी चाहिए। तो विजुअल एक्यूटी के कॉन्सेप्ट के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो इन्फेंट्स की जो विजन होती है ये इतनी अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से बेबी का विजन के ज़रिए रिस्पॉन्स कम होता है अपने स्टिमुली के साथ भी। ये जो इन्फेंट्स होते हैं इनको जो सबसे पहले इंटरेस्ट जिस चीज़ में पैदा होता है वो ब्लैक एंड वाइट कलर है, जिसको हम लोग लाइट एंड डार्क भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन फेस। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्थ परसेप्शन की। डेप्थ परसेप्शन क्या है? टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद बोथ आईज इज कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन। ये तो इसकी डेफिनेशन है। डेप्थ परसेप्शन पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। ये जो न्यू बॉर्न होते हैं जिनको हम लोग इन्फेंट्स भी कह रहे हैं, ये टेस्ट, स्मेल्स और साउंड, खासकर जो ह्यूमन वॉइस है, इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं सकते, छोटे बच्चे होते हैं। दर हकीकत न्यू बॉर्न की जो स्क्रीनिंग जब की जाती है इसमें जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं इनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि प्राइमरी केयर गिवर कौन है और बाकी कैसे हैं, उस इंफॉर्मेशन के बिना पे जो कि साइट से रिलेटेड है, और इसमें स्मेल भी शामिल है। पहले साल के दौरान जो इन्फेंट्स की जो सेंसरी एबिलिटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक है परसेप्शन डेवलपमेंट। ये मैंने एजेंडा भी मेंशन किया था। परसेप्शन क्या है? एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस द सेंसरी डेटा। हमारा जो ब्रेन है वो सेंसरी डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करता है। और ये सेंसरी डेटा कहाँ से आता है? ये वही सेंसरी ऑर्गन्स जिनका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, 5 सेंसेस थी, कि विजन से हम 75% नॉलेज लेते हैं, टच से 6% और टेस्ट से 3%, स्निफिंग सेंस से 3%, तो ये फिर इसी तरह लिसनिंग से 13% है। ये टोटल हमारी 5 सेंसेस बनती हैं, तो इनसे जो इन्फॉर्मेशन हम लेंगे वो सेंसरी डाटा में ही कंसिडर की जाएगी। विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो डेप्थ परसेप्शन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, और फिर ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट का शिकार जो लोग होते हैं ये डेप्थ परसेप्शन की मदद से ही फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं इजीली, और साइज और शेप को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्फेंट्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो इवेंट्स के बारे में जाने सीखें और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जाने और सीखें। ये थी परसेप्शन। अच्छा, परसेप्शन एक छोटी सी डेफिनेशन है मेरी तरफ से।
वो इन नोट्स में तो मैं नहीं लिख सका हूँ, लेकिन ये है कि अभी मेरे माइंड में आई है, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि टू अटैच मीनिंग विद द एक्टिविटी इज़ कॉल्ड परसेप्शन। कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, कोई भी काम हो रहा होता है, उस काम को कोई नाम देना, किसी भी एक्टिविटी के साथ कोई नाम एसोसिएट कर देना, वो उसकी परसेप्शन है। ठीक है जी, परसेप्शन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब हम देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हमने पॉजिटिव परसेप्शन डेवलप करनी है या नेगेटिव परसेप्शन डेवलप करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लर्निंग, ये हमारे इसी 1.3 टॉपिक का हिस्सा है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट रिलेटिवली रिजल्टेड इन परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग की डेफिनेशन परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो इन्फेंट्स होते हैं वो लर्न करते हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लर्न करना पसंद करते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग का भी जिक्र आया, और क्लासिकल कंडीशनिंग आपको याद होगा साइकोलॉजी की एक थ्योरी है, लर्निंग थ्योरीज में आता है, और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग पेश की थी एवन पेवलोव ने, जो कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। इसको पेवलोवियन थ्योरी भी कहा जाता है। लर्निंग इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लर्निंग अकर्स बाय एसोसिएशन व्हेन अ स्टिमुलस दैट इवोक्स अ सर्टेन रिस्पॉन्स बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्टिमुलस दैट ओरिजिनली डिड नॉट कॉज दैट रिस्पॉन्स फुल स्टॉप। तो बच्चे की जो लर्निंग है ना, वो मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलस से रिलेटेड होती है। जैसे मैंने, अच्छा स्टिमुलस भी दो तरह के होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, दूसरा कॉन्क्रीट होता है। एब्स्ट्रैक्ट स्टिमुलस क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट स्टिमुलस ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा लेटा हुआ है, इन्फेंट्स ज़्यादातर लेटे पोजिशन में होते हैं ना, इनके बैठ भी नहीं सकते, सिक्स मंथ्स में आगे इनकी सिटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन सिटिंग से पहले 3 से 6 मंथ्स के दौरान इनकी नेक ग्रिपिंग स्टार्ट होती है। बहरहाल तो ये जो 1 ईयर का जो एज पीरियड है इन्फेंट्स का, इसमें बच्चा किसी आवाज़ को देखता है, सुनता है और उस आवाज़ की तरफ टर्न करता है लेटे लेटे, तो ये उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट स्टिमुलस था। आवाज़ नज़र नहीं आ रही थी लेकिन वजूद था, नज़र नहीं आ रही थी इस वजह से उसने उस तरफ टर्न किया। इसी तरह कॉन्क्रीट स्टिमुलस है, उनका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी है कि स्टिमुली या स्टिमुलस बाज़ात एक भी होता है, बाज़ात दो भी होते हैं। जैसे बच्चे के साथ 1 साल के इन्फेंसी की स्टेज से गुजरने वाले एक बच्चे से उसके माँ और बाप दोनों बात कर रहे हैं, तो बच्चा दोनों को ही वैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर उधर से हंसी की आवाज़ आ रही है तो बच्चा इधर से भी कलकारी या हंसी ज़रूर मारेगा। साइकोलॉजी में जे बी वॉटसन एक फादर ऑफ बिहेवियरिज्म गुजरे हैं, जिन्होंने 11 माह के एक बच्चे के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये 1920 के कुछ राउंड अबाउट हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जो अल्बर्ट था लड़का बच्चा, उसके साथ ये एक्टिविटी की गई थी जिसको एक छोटे सफ़ेद चूहे से डर लगता था। तीन साल से जो छोटे जो बच्चे होते हैं, बल्कि 3 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्लासिकल कंडीशनिंग के फार्मूला के तहत ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर सकते, लेकिन जे बी वॉटसन ने कहा था 3 महीने से ऊपर जो बच्चा था बहुत अच्छे तरीके से लर्न करता है। ये वही है नेक मोमेंट की एज। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये दूसरी लर्निंग थ्योरी है जो कि बी एफ स्किनर ने दी थी, और ये अमेरिकन बिहेवियरिस्ट थे बी एफ स्किनर। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग होती है ना, वो अकर करती है एप्लीकेशन ऑफ अवार्ड से,
या पनिशमेंट से, मतलब ये रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट जो है ना, वो बच्चे का जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो इंक्रीज करती है। मैं इस बात को ज़रा दोबारा दोहराता हूँ, रीइंफोर्समेंट से जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो इंक्रीज़ होता है। हमें ये पता है कि रीइंफोर्समेंट दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शाबाश को कहते हैं, किसी अच्छे काम के रिस्पांस को कहते हैं। इसके भी दो हिस्से हैं, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट वो होती है जिसमें बच्चे को शाबाश दी जाती है, उसके लिए क्लैपिंग करवाई जाती है क्लास में, उसका कंधा थपथपाया जाता है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो है जिसमें बच्चे को सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट जिसमें बच्चे को कोई गिफ्ट दिया जाता है, कोई कैंडी चॉकलेट, कोई इनाम जो है जो कंक्रीट फॉर्म में दिया जाए, वो जो है ना सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी वो पनिशमेंट को कहते हैं, जिसमें बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर है पनिश पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए उसको ख़त्म कराने की कोशिश की जाती है। अच्छा, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उससे पॉजिटिव बिहेवियर इंक्रीज़ होता है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर पनिशमेंट वाला वो डिक्रीज़ होगा। अगली दफ़ा वो वैसा काम नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि मुझे थप्पड़ लगेगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा जो है ना प्लेजेंट स्टिमुली होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक वो पॉजिटिव स्टिमुली अपना किरदार अदा करती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से मैंने आपको पहले कहा कि पॉजिटिव बिहेवियर इंक्रीज होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अनप्लेजेंट स्टिमुली है, ना पसंदीदा काम। तो सादा लफ्ज में कहा जाए, रीइंफोर्समेंट हमेशा इंक्रीज बिहेवियर को इंक्रीज ही करती है, चाहे पॉजिटिव बिहेवियर हो या नेगेटिव बिहेवियर हो। यहाँ पे कुछ और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये है कि एक बच्चा जो क्लास में बच्चों को तंग करता है नेगेटिव बिहेवियर के ज़रिए, और वो उसका नेगेटिव बिहेवियर होता है, मिसबिहेव करता है, लेकिन अगर उस बच्चे को पनिशमेंट यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाए तो वो उससे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। और ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि जो वालिदैन हैं जो अपने एक अपने बच्चे से उन चीज़ों को दूर कर देते हैं, जो एक बच्चे से उन चीज़ों को दूर कर देते हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि जिससे वो बच्चा पढ़ने पे मजबूर होता है। बेसिकली ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एक एग्ज़ाम्पल है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में शेपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इन्फेंट ने यह सीखा कि स्माइलिंग जो है ना वो पॉजिटिव सेंस है, और जो पेरेंटल इंट्रैक्शन है वो भी स्माइल से ली जा सकती है। बच्चे जो हैं, बेबी जो हैं, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट हैपेंड इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में जो लर्निंग होती है वो या तो कॉपी करके होती है, इमिटेट करके होती है, या ऑब्जर्व करके हो रही होती है, क्योंकि यही चीज़ तो एक्सपीरियंस बनती है। तो हम कहते हैं ना कि लर्निंग इज़ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो बेसिकली इसमें एक्सपीरियंस शामिल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक बच्चे के केस को देखते हैं जिसने ये सीखा कि जनाब क्लैप कैसे करते हैं। उसने पहले देखा, फिर उसको कॉपी किया, और उसी तरह उसने क्लैपिंग की। ये लर्निंग फास्टेस्ट लर्निंग कंसीडर की जाती है, जिसमें जो इन्फेंट्स हैं या टॉडलर्स हैं वो नई स्किल्स सीखते हैं। यहाँ पे हेल्थ का एक छोटा सा पॉइंट मैंने दिया हुआ है, हम उसकी बात करते हैं।
नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है न्यू बॉर्न बेबीज की, वो बच्चे की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1% से भी कम बच्चे होते हैं वो हेल्थ ट्रामा का शिकार होते हैं, या कोई ऐसी इंजरी जो बर्थ के दौरान हो जाए। कई स्टडीज़ ने ये बताया कि ये लो बर्थ वेट या बर्थ ट्रॉमा या अर्ली सिकनेस जो है वो बच्चे की जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है उसको बुरी तरह मुतासर करती है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं करती जब बच्चे एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करें कि जो जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हों। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको एक आइडियल सिचुएशन मिलती है, इसके बावजूद कई बच्चे अगर आइडियल सिचुएशन में होने के बावजूद भी इस तरह भी हुए हैं कि जनाब कई तरह के चैलेंजेस उनकी ज़ात के साथ एसोसिएटेड थे। फॉर एग्ज़ाम्पल फेनाइल कैटिनोरिया, जिसको हम लोग PKU भी कहते हैं, ये मेटाबॉलिज्म का एक प्रॉब्लम है, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जिसमें बच्चे के अंदर हाइड्रोक्सिलिक फेनाइलिन हाइड्रोक्सिलिक की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये एक एंजाइम है, ये हमारे बॉडी में जितनी भी फेनाइलिन इकट्ठी हो जाती है ये इसको रिमूव करने के लिए ये केमिकल यूज़ होता है, और बॉडी से अमीनो एसिड इकट्ठा करती है। बच्चे को कोई ऐसी खुराक खिलाते हुए डिफ़िकल्टी का सामना होना जिसमें PKU हो, वो ज़िंदगी के हमेशा 2 से 3 हफ्ते के अंदर हो जाता है, जिससे बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का शिकार होगा। तो PKU का ताल्लुक मेंटल रिटार्डेशन से है। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान से बाहर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं वह उनमें न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग का एक सेटअप होता है, एक प्रोसेस होता है। अच्छा, आगे एक छोटा सा पॉइंट मैंने दिया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन, हाइजीन और मेडिकल केयर जो है वो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क का शिकार कर देते हैं। पेरेंट्स को ये यकीनन इंश्योर करने की ज़रूरत है कि उनका जो इन्फेंट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से खाता है, साफ़ सुथरा है और उसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह की कॉन्टेजियस डिज़ीज़ को काबू करने में, कॉन्टेजियस डिज़ीज़ को ख़त्म करने में। कॉन्टेजियस डिज़ीज़ कौन सी है? मीज़ल्स है, डिफ्यूरिया है, मम्स है, रुबेला है और पोलियो है। अच्छा, यहाँ पे एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी ज़रूरत होती है जो कि उस स्कूल में पेरेंट्स के साथ काम करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ सोसाइटी में। अगला पॉइंट है हमारे पास इन्फेंट मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी तो आपको पता है डेथ को कहते हैं। अच्छा, इन्फेंट मोर्टैलिटी ऐसी इस परसेंटेज को कहते हैं जिसमें बच्चे डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं पहले 1 साल के दौरान ही। अमेरिका में
हज़ार में से 9 बच्चों के साथ ये मसला ज़रूर होता है। तो ये वजह क्या होती है? पुअर न्यूट्रिशन होती है। अच्छा, लेकिन ये भी है, पिछले 5-6 साल में अमेरिका में एक पॉजिटिव चेंज आया, और वजह है कि जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है ना, उसमें कमी हुई है। उसकी वजह ये है कि प्रीनेटल केयर की जाती है, मेडिसिन दी जाती है। तो फिर भी ये जो बच्चे होते हैं, एक इनके पास एक हायर रिस्क होता है मरने का, डाई होने का। और ये जो इन्फेंट्स होते हैं जिनके पास मरने का एक हायर रिस्क होता है, ये माइनॉरिटी में है। किसी ज़माने में मेजॉरिटी में ज़रूर था। अगर लीडिंग कॉजेज़ की बात की जाए इन्फेंट्स के मरने की, ये कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्ट का वॉल्व प्रॉब्लम हो गया, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS। अब व्हाट इज सेड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है। ये अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सप्लेन डेथ है किसी ऐसे बच्चे के जो ज़ाहरी तौर पे बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रहा हो। पोस्टमार्टम अटॉप्सीज, तो उसमें नहीं पता चलता कि बच्चे की डेथ की वजह क्या थी। जितना लोग जानते हैं, अथॉरिटीज जानती हैं, कोई ब्लॉकेज है या वॉमिटिंग है या सांस दम घुटने की जो तकलीफ है, वो सस्पेक्टेड कॉजेज में नहीं आता। हाँ, सस्पेक्टेड कॉजेज में क्या आता है सीड्स की ना, इन्फेंट्स ब्रेन डिसफंक्शंस है, पेरेंटल स्मोकिंग है, वो चाहे प्रीनेटली हो या पोस्टनेटली हो। अमेरिका में 1000 में से 1 या 2 बच्चे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का शिकार होते हैं, और इन बच्चों की जो एज होती है ना, वो 1 साल से नीचे होती है, कम होती है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद है कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर हुआ होगा, आपको ये डिस्कशन क्लियर हो चुकी होगी। किसी हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच।